हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जोहार। मैं आपका जीएस एजुकेटर रोहित कुमार स्वागत करता हूं वाई फर्स्ट स्टडी विच इज पार्ट ऑफ अकेडमी। तो आज 1:30 पीएम पे स्ट्रेटजी के देखने वाले हम लोग आज बिल्कुल धमाकेदार तरीके से। लेकिन क्लास शुरू करने के पहले क्या मैं आपको दिख रहा हूं पूरी तरीके से, आवाज मेरी आ रही है ना? बिल्कुल आवाज भी आ रही होगी, दिख भी रहा हूंगा। और आज माय डियर, जैसा कि सैटरडे है और आपको पता है कि सैटरडे को कुछ ना कुछ स्पेशल होता है, कुछ ना कुछ धमाकेदार होती है, तो वैसे ही आज स्टैटिक जीके में 30 सवाल बहुत मजा आने वाला है बिल्कुल। तो हमारे साथ जुड़ने वाले बच्चों में कौन कौन है भाई? राधे राधे, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आशीष, निशु, अली, अंजलि, संदीप, कौन कौन है भाई? गुड आफ्टरनून, गुड। सब सही है ना? चलिए, तो आज 30 सवाल देखेंगे और उम्मीद करेंगे कि वो 30 सवाल बिल्कुल आप 100% लगाओ, बिल्कुल 30 में 30 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो। और अगर मैं बात करूं एग्जाम की, तो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, या फिर स्टेट लेवल की बात करें, चाहे यूपी ट्रिपल एस से पीईटी हुआ है, निगेटिव जितना हम कम लेंगे उतना हमारा सिलेक्शन का रेशियो ज्यादा होगा। क्योंकि अब जितने भी पेपर हैं सब में निगेटिव है, चाहे कोई भी एग्जाम उठा के देख लो आप। और आने वाले समय में निगेटिव से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा? थ्योरी पढ़ के, ठीक है? अब हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो भाई अनअकैडमी। अब ये देख रहे हो कि जो रेलवे का प्राइस है वो हाइक होने वाला है माय डियर, रेल प्राइस हाइक, रेलवे एग्जाम कमिंग सून, किसपे? अनअकैडमी पे। अभी आप देखोगे तो मात्र 3,000 रुपए है। जैसे आप कोड यूज करते हैं रेफरल कोड पावर 10, ये घटकर 2700 हो जाता है। फिर आपके पास अगर क्रेडिट पॉइंट होगा तो वहां से भी आप फायदा उठा सकते हो, ठीक है? और ये अनअकैडमी जुड़ने का फायदा क्या है कि सारे सब्जेक्ट, जितने सारे सब्जेक्ट हैं वो आप कवर कर सकते हो। तो हमारी क्लास आपको कितने बजे मिलेंगी? रेलवे क्लास मिल जाएंगी आपको 9:05 पे सुबह, और एसएससी क्लास मिलेगी आपको 12:35 पे। बाकी बात, जिस भी एजुकेटर रेलवे कैटेगरी में पढ़ा रहे हैं सारे क्लास आप अवेल कर सकते हो, या एसएससी में पढ़ा रहे हैं तो एसएससी में सारे अवेल कर सकते हो आप, है ना? आइए सवाल नंबर 1 की बात करें माय डियर। कहता था वर्ल्ड्स टॉलेस्ट सैंड कास्ट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन विच कंट्री, दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल किस देश में बनाया गया है? स्पेन, नॉर्वे, फ्रांस, डेनमार्क। सवाल नंबर 1 जरा बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी बताइए बच्चे क्या होगा। सवाल नंबर 1, दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल किस देश में बनाया गया है? स्पेन, नॉर्वे, फ्रांस या डेनमार्क? क्या होगा? डेनमार्क, डेनमार्क, डेनमार्क। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल की अगर मैं बात करूं तो कहां पे? डेनमार्क में बनाया गया। कहां पे बनाया गया भाई? डेनमार्क में बनाया गया। डेनमार्क में ब्लोखस का भव्य छोटा समुद्र तटीय शहर दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये कितने? लगभग 21 मीटर, यानी 21.16 मीटर लंबा है। और भार की बात करें माय डियर तो ये 5,000 टन। इसके पहले कहां था? तो जर्मनी में 2019 में बनाया गया था। यानी अब इसने क्या किया कि जर्मनी का रिकॉर्ड तोड़ा है, इसने जर्मनी का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ये आप देख सकते हो, ये बिल्डिंग है, ये देख लो रेत का महल, खूबसूरत, लाजवाब, है ना? नेक्स्ट, वुड बफेलो नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? कनाडा, स्विट्जरलैंड, यूएसए, सिंगापुर। सवाल नंबर 2, वुड बफेलो नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? कोपेनहेगन। अच्छा, जल्दी, इंडिया में, गोवा में। अगर आप देखोगे वुड बफेलो नेशनल पार्क की बात करें तो यह कनाडा, कनाडा और यूएसए के बीच 49 डिग्री पैरेलल लाइन, ये क्या है? बाउंड्री है, भी अलग करता है विश्व की सबसे बड़ी सीमा और विश्व की सबसे शांत सीमा, बिल्कुल शांत सीमा, है ना? कनाडा। तो वुड बफेलो नेशनल पार्क 44,807 वर्ग किलोमीटर में कनाडा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तर पूर्वी अल्बर्टा और दक्षिण उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, ठीक है? नेक्स्ट की बात करें, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1922 में की गई थी। अब दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या होगा? तो पूर्वोत्तर ग्रीनलैंड राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है।
नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेशनल पार्क, याद रखना। वहीं भारत की अगर मैं बात करूं, भारत के सबसे बड़े नेशनल पार्क हैमिश नेशनल पार्क, जो कहां पे है? लद्दाख। और सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन, साउथ बटन ये कहां है? अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, डेनमार्क के राज्य में बनाया जाने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान था, ग्रीनलैंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है ये। ठीक है, नेक्स्ट, हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात करें माय डियर, 2020 का 21वां संस्करण नागालैंड में बनाया गया। हॉर्नबिल क्या है? हिरण, पक्षी, भालू, नदी। सवाल नंबर तीन, जल्दी। बता बच्चे, हॉर्नबिल फेस्टिवल 2020 का 21वां संस्करण नागालैंड में बनाया गया, हॉर्नबिल क्या है? हॉर्नबिल क्या है? एक पक्षी है, बर्ड। क्या ये पक्षी? क्या बच्चे? पक्षी। ये देख लो कि द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इज द लार्ज एंड कलरफुल, क्या खूबसूरत है यार, फर्स्ट फॉरेस्ट बर्ड विच इज डिस्प्लेड इन द फोकलोर ऑफ मोस्ट ऑफ द नागालैंड ट्राइब्स। द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल एक विशाल और रंगीन वन पक्षी है जो नागालैंड में देखने को मिलता है ना, बहुत खूबसूरत। ठीक है, आगे देखिए, मृणाल सेन एक प्रसिद्ध किस भाषा के फिल्म निर्माता है जिनका निधन हो गया? कन्नड़, भोजपुरी, उड़िया, बंगाली। सवाल नंबर चार, जल्दी। हाँ, दिसंबर के महीने में सेलिब्रेट करते हैं हॉर्नबिल, इसलिए तो कहा कि मनाया गया 2020 में, क्योंकि 2021 में दिसंबर के महीने में सेलिब्रेट किए जाएंगे। अगर आप देखो कि मृणाल सेन की बात करें माय डियर, तो ये बंगाली हैं। किसके? बंगाली सेन है ना, मृणाल सेन। ठीक है, तो मृणाल सेन कोलकाता में स्थित एक प्रसिद्ध बंगाली फिल्म निर्माता थे जिन्होंने मुख्य रूप से बंगाली और हिंदी फिल्मों का निर्देशन किया है। किसने बताओ? एक किलोग्राम में कितने ग्राम होता है? 1000 ग्राम माय डियर। मृणाल सेन का जन्म 14 मई 1923 को फरीदपुर शहर में हुआ था जो अब बांग्लादेश में है। मृत्यु कोलकाता पश्चिम बंगाल में दिसंबर में। ठीक है भाई, कौन कौन सा अवार्ड मिला ये जरूर याद रखिएगा, पद्म भूषण 1983 में और ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप 2000 ईस्वी में, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है उनको 2003 में। इस बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इस बार का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? गज्जू एक से एक है, देख लो, हर्ष पूछ रहा है, जल्दी। भारत से जुड़ने के लिए भारतीय रेलवे को मुख्य भूमि, भारत से जुड़ने के लिए पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज कहां बनाया गया? रामेश्वर, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, पुदुचेरी, अल्ला पूजा। सवाल नंबर पांच, रजनीकांत क्या बात, अमिताभ बच्चन इसके पहले, अभी रजनीकांत 51वां, तो क्या होगा? रामेश्वरम कहां पे? तमिलनाडु। कहां पे? तमिलनाडु। यानी ये देख रहे हो, जैसे शिप जाएंगी ये ब्रिज क्या होगा? बिल्कुल उठेगा, बिल्कुल उठ जाएगा, ताकि शिप को आने जाने में कोई परेशानी बिल्कुल ना हो। ठीक है, तो भारतीय रेलवे रामेश्वरम को भारतीय मुख्य भूमि से जोड़ने वाला देश का पहला ऊर्ध्वाधर लिफ्ट पुल बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है ये वाली। नेक्स्ट, 104 साल पुराने पंबन ब्रिज की जगह पे नया ब्रिज बनाया जाएगा ताकि स्टीमर को बिना किसी बाधा के गुजरने देगा ये। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, एयरलाइंस हाई फ्लाई अब एकल उपयोग वाली प्लास्टिक मुक्त यात्री उड़ान लेने वाली पहली एयरलाइंस है। यानी जो एकल प्लास्टिक है वो बिल्कुल वहां पे यूज नहीं होगा, वो पहला एयरलाइंस कौन सा है? जर्मन एयरलाइंस, स्पेनिश, पुर्तगाली या फ्रेंच? सवाल नंबर सिक्स, बताइए क्या होगा, जल्दी। तो क्या होगा माय डियर? हाँ, फर्स्ट देविका रानी चौधरी। तो क्या होगा? ये पुर्तगाली, यानी पहली पुर्तगाली एयरलाइंस हो गई है जो ऊपर में उड़ान भरते समय एकल उपयोग वाले प्लास्टिक मुक्त यात्री उड़ान भरेंगी। तो पुर्तगाली चार्टर एयरलाइन हाई फ्लाई ने प्लास्टिक मुक्त परीक्षण उड़ानें पूरी की है, जिसमें पहली बार 26 दिसंबर 2018 को लिस्बन पुर्तगाल से ब्राजील तक उड़ान भरा था, है ना, उड़ान भरा था।
नेक्स्ट, स्विफ्ट का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्विफ्ट? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेट फाइनेंस टेलीकम्युनिकेशन, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंट्रानेट फाइनेंस टेलीकम्युनिकेशन, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, या सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंकिंग फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन? सवाल नंबर 7, जल्दी क्या होगा? जल्दी हर से काम करना, वीडियो को ना पीछे करके देख लेना, वीडियो खत्म होगी तब। स्विफ्ट का फुल फॉर्म की बात करें क्या होगा, तो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक, देख लो इंट्रा बैंक, क्या ये इंट्रा बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और मैं आपको बता दूं कि आप उठा के देखना कौन सी CBT 1 ये सवाल पूछा है कि नहीं पूछा, ठीक है? तो भाई सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक की बात करें, फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन एक नेटवर्क प्रदान करता है जो वित्तीय संस्थानों को एक सुरक्षित मानकीकृत और विश्वसनीय वातावरण में वित्तीय लेन देन कर सके, वित्तीय लेन देन कर सके। स्विफ्ट की बात करें तो 1973 में इसकी स्थापना की गई, मुख्यालय कहां है? ला हाल्पे बेल्जियम, ला हाल्पे बेल्जियम। अध्यक्ष कौन है? यवर शाह। और सीईओ इसके जेवियर पेरेज टैसो हैं, स्विफ्ट इंडिया के अध्यक्ष। अगर भारत में स्विफ्ट की बात करें तो स्विफ्ट इंडिया के अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य, जो एसबीआई की पहली महिला चेयरमैन थी, एसबीआई की पहली महिला फीमेल चेयरपर्सन, ठीक है, याद रखना बिल्कुल। नेक्स्ट की बात करें, चंद्रमा के अंधेरे पक्ष में पहला अंतरिक्ष अभियान शुरू किया गया, जो एक रोवर चंद्रमा पर उतरेगा, कहां किया गया, यानी किसने किया? भारत, चीन, रूस, यूएसए। सवाल नंबर 8, जल्दी। अगर आप देखोगे तो चंद्रमा के अंधेरे पक्ष में पहला अंतरिक्ष अभियान शुरू किया गया तो किसने? चीन ने किया। और कौन करेगा भाई? चाइना ने, यहां तक ही अपना चंद्रमा भी बना लिया, सूरज भी बनाने की तैयारी है ये, है ना? तो अंतरिक्ष की खोज में चीन ने भले देर से शुरुआत की, लेकिन 2003 में इसने अंतरिक्ष में पहली बार इंसान को भेजने की सफलता पाई है। सोवियत यूनियन और अमेरिका के बाद यह तीसरा देश है जो चंद्रमा के ना दिखने वाले हिस्से पर चीन का यान चांग-E4 यान चंद्रमा की सतह पर उतरा है, चंद्रमा की सतह पर उतरा है, ये याद रखना, ठीक है? नेक्स्ट की बात करें, स्टार्टअप इंडिया वेंचर कैपिटल समिट 2019 कहां आयोजित किया गया? कोलकाता, नई दिल्ली, गोवा, मुंबई। सवाल नंबर 9, तो स्टार्टअप इंडिया वेंचर कैपिटल 2019 कहां पे? गोवा में। ओए इतना खूबसूरत प्लेस नहीं, गोवा। कहां पे? गोवा पे, ठीक है भाई। नेक्स्ट की बात करें, गोवा सरकार के साथ साझेदारी में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित स्टार्टअप इंडिया ग्लोबल वेंचर कैपिटल समिट का दूसरा संस्करण 6-7 दिसंबर 2019 में गोवा में आयोजित किया गया था, ठीक है? नेक्स्ट की बात करें, ठीक है भाई, क्लियर है? चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, मुक्केबाजी, शतरंज। सवाल नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 3, चिराग शेट्टी की बात करें माय डियर, तो ये बैडमिंटन से संबंधित, किस खेल से? बैडमिंटन से। किस खेल से? बैडमिंटन से। ये चिराग शेट्टी की बात करें, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी, उन्होंने गोल्ड कोस्ट 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया और टीम स्पर्धा में स्वर्ण और पुरुष युगल में रजत पदक जीता था। नेक्स्ट की बात करें, लक्ष्मी विलास पैलेस किस स्थान पर स्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। सवाल नंबर 11, जल्दी। ओ गॉड मत करो, जवाब दो। ओ गॉड करोगे गलती करोगे, ओ गॉड। तो लक्ष्मी विलास पैलेस की बात करें माय डियर, ये गुजरात में, ये खूबसूरत पैलेस देख रहे हो, लक्ष्मी विलास पैलेस कहां पे? ये गुजरात में स्थित है। तो लक्ष्मी विलास पैलेस बड़ोदरा गुजरात में है, ये 1890 में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने बनवाया था।
किसने बनवाया? महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने इसका निर्माण कराया था। न्यू विषय क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। सवाल नंबर 12, जल्दी। न्यू विषय क्रिकेट स्टेडियम की बात करें महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहां? जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नागपुर है क्या? बिल्कुल, विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन नागपुर, जो क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा स्टेडियम भारत का, वो विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन नागपुर में है। कहां पे? नागपुर, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो कि विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम को न्यू बीसीए स्टेडियम के रूप में भी जाना जाता है, जो नागपुर महाराष्ट्र में है, और यह एक मैदान के संदर्भ में भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। क्रिकेट स्टेडियम है, सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। हाफ बॉयफ्रेंड किताब किसके द्वारा लिखी गई? कई बार बता चुके हैं, जूडी बालन, चेतन भगत, शशि थरूर, कोई नहीं। तो अगर हाफ गर्लफ्रेंड की बात करें तो चेतन भगत, तो पता है हमें हाफ गर्लफ्रेंड, जो मूवी भी आई थी। लेकिन जूडी बालन और मनोहर दो लोगों ने लिखा हाफ बॉयफ्रेंड। किसने किसने लिखा भाई? जूडी बालन और किशोर मनोहर दो लोगों ने लिखा है। किसने लिखा? तो जूडी बालन और किशोर मनोहर, ठीक है। एक रोमांटिक उपन्यास है, बहुत मजा लगेगा। अगर आप उपन्यास का शौकीन है पढ़ने वाले तो बिल्कुल पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा। कौन सा राज्य अपना आधिकारिक ई वॉलेट लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू लॉन्च इट्स ऑफिशियल ई वॉलेट? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात। तो किसने ई वॉलेट लॉन्च किया है? तो तेलंगाना पहला राज्य है जिसने ई वॉलेट लॉन्च किया है। कौन है? तेलंगाना। तेलंगाना पहला राज्य है जो ई वॉलेट लॉन्च किया है। हाँ बेटा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बहुत कुछ याद आ जाता होगा, बिल्कुल, है ना। नेक्स्ट की बात करें, तेलंगाना सरकार ने डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया जिसका नाम क्या रखा है? टी वॉलेट। क्या रखा माय डियर? टी वॉलेट। और ये आधिकारिक ई वॉलेट लॉन्च करने वाला तेलंगाना देश का पहला राज्य है। किसका? पहला राज्य। नेक्स्ट की बात करें, ओपीसीडब्ल्यू किस देश में स्थित है? ओपीसीडब्ल्यू फुल फॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। हेग नीदरलैंड, एबने मॉरिशस, जेद्दा सऊदी अरब, पेरिस फ्रांस। सवाल नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी। अच्छा याद आती है। ओ तो अगर मैं बात करूं ओपीसीडब्ल्यू, एक नीदरलैंड, जहां पे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, जहां पे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। तो रासायनिक हथियार निषेध संगठन अर्थात ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, यूएस की एक संस्था है, समर्थित संस्था, जो दुनिया भर में रासायनिक हथियारों को नष्ट करने और उनकी रोकथाम के लिए काम करती है। इसीलिए 2013 में इसे शांति पुरस्कार दिया गया, नोबेल का। 2013 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है, याद रखना, कब? 2013 में। नेक्स्ट की बात करें, हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? अंटार्कटिक, अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। सवाल नंबर 16, जल्दी। बताइए क्या होगा बच्चे? हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा हिस्सा की बात करें तो अटलांटिक महासागर। कैसे? अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग? पहला प्रशांत महासागर, पहला पैसिफिक, दूसरा अटलांटिक, तीसरा इंडियन, चौथा सदर्न, पांचवा आर्कटिक। जब अटलांटिक जो सबसे बीजी महासागर है व्यापार वाणिज्य के दृष्टिकोण से, और इसकी आकृति बिल्कुल एस की भांति दिखेगी। कैसे दिखेगी? एस की भांति दिखेगी, है ना। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय किस स्थान पर स्थित है? नैनीताल, देहरादून, चमोली, हरिद्वार। सवाल नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। तो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय किस स्थान पर? नैनीताल। जब ये कैपिटल कहां? देहरादून। चमोली से याद होनी चाहिए, चमोली पे 1973 में चिपको मूवमेंट की शुरुआत की गई थी, चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। किसने? सुंदरलाल बहुगुणा और गौरव देवी ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4, 2, 9, 6। सवाल नंबर 18, देख लो, देहरादून लगाया, नैनीताल निकल गया, बड़ा गड़बड़ है। तो खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं माय डियर? खो खो में 9 खिलाड़ी। तो खो खो में 9 खिलाड़ी, पोलो में 4, वाटर पोलो 4, बेसबॉल 9,
वॉलीबॉल सिक्स, या आपके वॉलीबॉल सिक्स है ना। नेक्स्ट, काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसके द्वारा किया गया था? अहिल्याबाई होलकर, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, गायत्री देवी। सवाल नंबर 19, जल्दी। काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण की बात करें तो यह अहिल्याबाई होलकर, और अहिल्याबाई होलकर मैं आपको बता दूं कि अगर आप गया गए होंगे, बिहार गए होंगे, तो वहां एक मंदिर है विष्णुपद टेम्पल, विष्णुपद टेम्पल गयासुर के बॉडी पे कहा जाता है कि विष्णु का पैर पड़ा था, इसीलिए नाम पड़ा है विष्णुपद टेम्पल। तो अहिल्याबाई होलकर ने उसका निर्माण किया, ठीक है, याद रखना बिल्कुल, ठीक है बच्चे। तो वर्तमान संरचना 1780 में इंदौर के मराठा शासक अहिल्याबाई होलकर द्वारा एक आसन स्थल पर बनाई गई है। 1983 से मंदिर का प्रबंधन कौन कर रही है? गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कर रही है ना। हाँ, अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर, क्या बात है। और इंदौर लगातार 4 साल से स्वच्छ भारत अभियान में नंबर 1 पे है, ठीक है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? गांधीनगर, नागपुर, अहमदाबाद, मुंबई। सवाल नंबर 20, अच्छा गया से हो, जल्दी। तो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान की बात करें माय डियर, तो ये कहां पे देखने को मिलेगा आपको? नागपुर। कहां पे देखने को मिलेगा? ये नागपुर में देखने को मिलेगा। जबकि आप खुद सोचो, कपास की सबसे ज्यादा खेती कहां देखने को मिलती है? गुजरात में। कौन सा? ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगा, जिसे हम रेगुर मिट्टी कहते हैं, इसे रेगुर मिट्टी कहते हैं ना। नेक्स्ट की बात करें तो इसका मुख्यालय नागपुर में है, और अन्य 2 क्षेत्रीय इकाइयां कोयम्बटूर तमिलनाडु, सिरसा हरियाणा में स्थित है, ठीक है, सिरसा हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट की बात करें, देश और राजधानी के गलत संयोजन की पहचान करें। ऑस्ट्रेलिया सिडनी, बहरीन मनामा, साइप्रस निकोसिया, बरमूडा हैमिल्टन। क्वेश्चन नंबर 21, जल्दी। क्या होगा माय डियर? तो ऑस्ट्रेलिया सिडनी गलत है, क्या होगा? कैनबरा। क्या होगा? कैनबरा है ना। जबकि बहरीन मनामा, साइप्रस निकोसिया, बरमूडा हैमिल्टन, बरमूडा हैमिल्टन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी द्वीप को भारत का पहला द्वीप जिला घोषित किया गया? छोटा अंडमान द्वीप, बैरन द्वीप, माजुली द्वीप, उमानंदा द्वीप। सवाल नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी। तो क्या होगा? पहला नदी द्वीप माजुली, जो सबसे बड़ी नदी द्वीप है विश्व की, और सबसे छोटा उमानंदा। तो 2016 में इसे घोषणा किया गया था, पहला घोषणा, पहला द्वीप जिला, कब? 2016 में। वासिक सोडा को रासायनिक तौर पर हम किस नाम से जानते हैं? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। सवाल नंबर 23, जल्दी। तो अगर मैं बात करूं भाई कि सोडियम कार्बोनेट, वासिंग सोडा को रासायनिक तौर पर हम सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। क्या? सोडियम कार्बोनेट है ना, सोडियम कार्बोनेट, N2CO3, वासिंग सोडा कहते हैं उसे, ठीक है भाई। सेफ्टी एलिवेटर का आविष्कार किसने किया है? हु इन्वेंटेड सेफ्टी एलिवेटर? और याद रखना, आज आपकी क्लास 6:05 पे अनअकैडमी पे होंगी, जो करंट अफेयर की है। आज 5 PM पे क्लास नहीं, 5 PM पे क्लास नहीं, ठीक है। तो सेफ्टी एलिवेटर के आविष्कार की बात करें माय डियर, ओटिस, इसी को हम लोग बोलते हैं सेफ्टी एलिवेटर को, लेफ्ट। क्या बोलते हैं? लेफ्ट। क्या बोलेंगे? लेफ्ट बोलेंगे, वही है एलिस ओटिस, ठीक है, याद रखना बिल्कुल। तो सेफ्टी एलिवेटर यानी लिफ्ट का आविष्कार किसने किया? एलिसा ओटिस ने किया। आप चलोगे कभी लिफ्ट में, देखना मॉल वगैरह में, तो वहां ओटिस लिखा हुआ मिलता है। क्या? ओटिस लिखा हुआ मिलता है ना। नेक्स्ट, नेटबॉल के खेल में गोल पोस्ट की ऊंचाई क्या होती है? 10 फीट, 6 फीट, 12 फीट, 15 फीट। सवाल नंबर 25, जल्दी। तो नेटबॉल के खेल में गोल पोस्ट की ऊंचाई की बात करें, 10 फीट, देख सकते हो ये नेटबॉल 10 फीट होता है। नेटबॉल गोल पोस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 10 फीट है, ये 3 मीटर के आसपास, ये 10 फीट है ना, ठीक है।
स्वांग इज अ फेमस फॉर्म, स्वांग एक प्रसिद्ध क्या है, नृत्य है, संगीत है, चित्रकारी है, कढ़ाई है। सवाल नंबर 26 बताइए क्या होगा। याद रखना आज 5 PM वाली क्लास नहीं है, तो 6-6 PM पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी पे, जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं आज जून का पार्ट 4, और बहुत मजेदार मतलब अद्भुत सवाल है। आप कहो तो मैं लिंक डाल दूंगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। अब कमेंट बॉक्स में बताना बच्चे। अच्छा 6 बजे वाली क्लास हो 6:15, ठीक है बच्चे, नेक्स्ट डे से इसे हम 6:15 कर देंगे, ठीक है, हैप्पी। चलो ये क्या होगा, एक नृत्य है, डांस फॉर्म है। तो सांग को स्वांग के नाम से भी जाना जाता है, जो राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में एक लोकप्रिय नृत्य नाटिका है। रक्त समूह की खोज किसने की थी, रक्त समूह की खोज किसने की थी माय डियर, विलियम हॉर्वे, कार्ल लैंडस्टीनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या वीनर ने। सवाल नंबर 27 क्या होगा, जल्दी क्या होगा। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की 1900 ईस्वी में, इसीलिए तो 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज मिलता है। और आरएच फैक्टर की बात करें, आरएच फैक्टर की खोज 1940 में किसने किया, लैंडस्टीनर और वीनर ने, जबकि विलियम हॉर्वे ने ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन की बात करें तो किसने, विलियम हॉर्वे ने। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें तो कवक से जो एंटीबायोटिक बनाया गया था वो किसने बनाया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया, ठीक है। संसदीय प्रणाली में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालक कौन है, राज्य का मुखिया, मंत्रिपरिषद, विधान परिषद, न्यायपालिका। सवाल नंबर 28 जल्दी क्या होगा माय डियर। संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की बात करें तो कौन है, मंत्रिपरिषद। मैंने कहा था मंत्रिपरिषद अगर नहीं होगा तो प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री नहीं होगा तो मंत्रिपरिषद होगा। अगर यहाँ पे वास्तविक ना होता तो हम राज्य का मुखिया लगाते, जिससे हम राज्य का मुखिया गवर्नर तो भी कह सकते हो, और अगर देश को राज्य मानते हो तो राष्ट्रपति हो जाएंगे, है ना। क्या होगा, मंत्रिपरिषद, ठीक है, याद रखना बिल्कुल। नेक्स्ट की बात करें, डैश भारत के स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है, विशाल, गर्व, तेजस, धनु। सवाल नंबर 29 जल्दी, सवाल नंबर 29 मांडिए। फिर से मैं बता दूं कि आज 6:05 पे आपकी क्लास है जून 2021 करंट अफेयर्स, जो जून का चौथा पार्ट है, ठीक है। तो क्या होगा, भारत के स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान की बात करें तो तेजस है, क्या है, तेजस, ठीक है, क्या होगा, तेजस। नेक्स्ट की बात करें, रेखा द अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक का लेखक कौन है, आनंद, नीलकंठन, यासर उस्मान, रवि थापा, ऋषि कपूर। सवाल नंबर 30 चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के। हाँ, तेजस को HAL ने बनाया था बेंगलुरु में, बहुत सुंदर, क्या बात है विकास, सुंदर। तो भाई यासर उस्मान, रेखा द अनटोल्ड स्टोरी की बात करें तो किसने लिखा है, ये देख लो भैया, यासर उस्मान ने, रेखा द अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है, यासर उस्मान है, है ना, बिल्कुल। तो ये था आज का सेशन, आई होप सो गाइस बिल्कुल मजा आया होगा आज के सेशन में। अगर सेशन अच्छा लगा हो यार तो लाइक वाइक किया करो बिल्कुल। और जो आज 6:05 क्लास है आज करंट अफेयर्स की, मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दे रहा हूँ, ताकि आप सीधा पहुंच जाओ वहां पे, ठीक है। और 10 बजे भी क्लास होगी और रात के 10:30 भी। और कल है संडे, कल आपको मैं अनअकैडमी पे मिलूंगा, यहाँ कोड यूज करना BABA10, और ये आप आराम से टेस्ट दे दो, अपने स्कोर को इनहेंस करो। या फिर केवल रेलवे की तैयारी करते हो, चाहे ग्रुप डी और CBT2 हो, तो इस बार मौका मत चूकना, क्योंकि ये फिर हमें रोना ना पड़े कि सर इस बार मेरा होगा या नहीं होगा। आप आराम से बिल्कुल डिटेल पढ़िए, अभी समय अच्छा है, 3-4 महीने सुपर समय मिलेंगे CBT2 में, ठीक है। तो आप हमारे साथ जरूर ज्वाइन करिए अनअकैडमी पे। और अगर आप SSC ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं टाइम कितने हैं, SSC का 12:35 पे और रेलवे का 9:05 पे। कोड लगा के BABA10 आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ अनअकैडमी पे, ठीक है भाई। सेशन मजा आएगा तो बिल्कुल लाइट ठोक के जाना। मैं अभी
जो शाम वाली क्लास है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगवा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाना। मिलते हैं फिर नए सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हाउ वाज द सेशन, सेशन कैसा रहा यार? लाइक वाइक कर दिया करो यार, बिल्कुल, है ना। चलिए मिलते हैं फिर नए सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया।